गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है भावना कुलदीप ब्लॉग में। गाइस, सुबह के 6:30 हो रहे हैं और मैं खा रहा हूँ दाल। जिम जा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी है ना, और आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ एक बार। इसमें है कॉफी, देखो गाइस बाहर कोहरा ऐसा पड़ रहा है ऐसे तो पता नहीं कहाँ कश्मीर में रह रहे हो हम, राजस्थान की है ये हालत तो। और अभी तो देखो टाइम लगभग 7 ही बजता है, नहीं तो मैं जगा था 6 बजे, जब तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत। गाइस गुड मॉर्निंग, और गाइस रोटी खाई लो, रोटी बन रही है हमारी चूल्हा पर सुबह सुबह। और देखो इधर कैसे कोहरा छाए रहो है और हम इधर रोटी बना रहे हैं, और लूसी हमारी बैठी है कोहरे में। लूसी क्या चाहिए तुझे? और सबसे ज्यादा अंकल जी को ठंड लग रही है, दूर से देखो पूरे कपड़े ने असला अंकल जी ने। गाइस आपने कभी खतरा खिलाड़ी नहीं देखे हो तो इतने कोहरे में ये बंदा नहा रहा है खुले आम, देखो। और इस वीडियो काटा नहीं जाएगा, देख लेना पहले ही वीडियो को मत काटा, ये बंदा नहा रहा है इतनी सर्दी में। और हमको तो इतने कड़ाके की ठंड लग रही है साहब, हम तो चूल्हा पास ना उठ रहे भैया। एक रोटी और गाइस मोए रोटी ना सेकवा, तो भुगाए उठा रखे मैं रोटी सेकवा। अभी भी कोहरा कम नहीं हुआ, और हमारे यहाँ पे सफाई कर्मचारियों का काम चालू हो चुका है पूरा फुल बराबर। इधर टम्पू लग रही है सफाई कर्मचारी, और इधर दोनों चंगू मंगू झटका पटका तो आप जानते ही होंगे। और ये देखो कितना साफ कर दिया इनने पूरा। सर्दी का है ना फायदा उठा रहे हैं हम। हाँ सर्दी का फायदा उठा रहे हैं, आने वाली है की। और गाइस मेरा तो नहाने का मन नहीं कर रहा, मैं तो कल भी नहीं आई थी। और मैं उठा रही हूँ पूरा सर्दी का फायदा, पानी बचाओ और सर्दी में ऐसे रहो बिना नहाए। भाई धुआं कोहरा ही कोहरा छा रहा है अभी तक। और गाइस लूसी चुप हो जा। गाइस हमारे घर में ऊंट आया है, ऊंट। मैं आपको ऊंट दिखाता हूँ ना, और ये ऊंट आने नहीं दे रहे, ये रहा ऊंट। अरे चुप चुप रहो,